चलिए नमस्कार प्रणाम। हम है राहुल भाई राहुल दोस्त प्रवीण मिश्रा बोल बोल आ गई बनी जब फिर हमने के भोजपुरी में अपना गांव गिराव के भाषा में बातचीत कर जाई। हमारा साथे बानी सिवान जिला के एगो नामी गिरामी व्यक्तित्व रमेश कुशवाहा जी, यहाँ के पत्नी अभी जदयू से विजय लक्ष्मी जी लोकसभा के उम्मीदवार बनी। हमने के बातचीत कर जाई कि कौना मुद्दा पर रमेश कुशवाहा जी एजा चुनाव लड़तनी। हालांकि रउरा के यहाँ के बैकग्राउंड के बारे में पहले हम चर्चा करे चाहतनी, दो शब्द बतावे चाहतनी कि सिवान में अगर भाकपा माले आईपीएफ तत्कालीन इंडियन पीपल्स फ्रंट के जब जन्म भइल तो उ जन्मदाता यहाँ के मानल जानी। यहाँ के जौन इतिहास बा उ हम बहुत सारा लोग जौन बतावल है जौन रुआ के हम बतौनी हम कि एगो बड़ा नाम बा रमेश कुशवाहा जी के। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बतकही में। अरे चैनल के भी हमार बहुत बहुत धन्यवाद बा और हमार शुभकामना बा। आज रूरा जदयू के टिकट लेके आई बनी, एकरा पीछे रूरा जिरादी से विधायक भी रहल बनी। हम सबसे पहले चर्चा करें कि कोना मुद्दा पर रुरैया चुनाव लड़े। देखिए जौन देश के स्थिति बा, देश के जनता के नारा बन गई बा, अब की बात 400 बार ई कोनो भाजपा के माननीय नरेंद्र मोदी के नारा नहीं है, देश के जनता के नारा बन गई बा। आई नारा हर गांव तक पहुंच गई बा कि देश कैसे सुरक्षित रही, देश कैसे आर्थिक रूप से मजबूत रही, दुनिया में एक ताकतवर देश के बतौर भारत कैसे उभरी, चाहे वो आर्थिक मामला हो के, चाहे वो सैन्य मामला हो के, या ओलंपिक खेल के मामला हो के, हर क्षेत्र में हमार देश कैसे मजबूत हुई। तो देश के जनता के विश्वास हो गई बा कि तीसरा बार एक बार अगर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बना दिया जाए 2024 में, देश हमने और तरक्की करी आगे बढ़ी। सिवान में जदयू के टिकट काट के रउरा के स्पेशली जदयू नीतीश कुमार जी रउरा में आस्था व्यक्त कैले बनी। ये मुद्दा पर कैसे रउरा इकट्ठा करें लोग के, एगो एक तरफ जहां एगो कद्दावर नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी एजा खड़ा बनी जौन कहतनी कि तमाम छोटा से लेके बड़ा तक के सारा लोग के वोट वहाँ के इकट्ठा कर लें, और वही जा अवध बिहारी चौधरी जी के नाम आ रहा बा, तो एमे रउरा कौन वोट लेके मतलब कौन वोट पर रउरा चाहतनी कि सारा लोग रउरा के विजयी बनाए। देखिए जहाँ तक ले टिकट काटे के बाद तो वही में तो हमार कोनो रोल नहीं है, पूरा एनडीए के शीर्ष नेता लोग कहले बा, वो लोग के कहला पर हमारा पत्नी के टिकट मिलल बा, हमार पत्नी लड़ल करी। रहल बात की चुनाव लड़ा के रुआ नाम कुछ लोग के रखनी है, वो लोग चुनाव लड़ बा, तो डेमोक्रेसी में सबके ऊपर अधिकार चुनाव लड़े के, ये चुनाव को निर्विरोध तो जीते के नहीं है, केहू ना केहू लड़बे करी। तो मान लेते कि मैं चौधरी जी के सुन तनी हम वहाँ के टिकट मिलल बा, ठीक बा वहाँ के लड़े के चाहिए, आ हिना मैडम के भी सुन तनी कि निर्दलीय वहाँ के चुनाव लड़ तनी, तो वहाँ के लड़े भी अच्छा बात बा, एगो सम्मानित वहाँ को महिला बानी। हमार व्यक्तिगत कोनो कमेंट आज तक ले पूरा राजनीतिक जीवन में हम कहीं पर ना करी ले, लेकिन सिवान के जनता जानत बा ये बात कि का हमें कोनो दिक्कत नहीं है। रहल बात कि कौना वोट पर हम लड़तनी, कौना वोट पर उस लड़ता, इहो सिवान के जनता बात को भी जानत, एक बतौला के कोनो जरूरत नहीं है। देखिए एनडीए के जौन जनाधार बा, जौन नीतीश कुमार जी के जनाधार बा, नरेंद्र मोदी जी के जौन जनाधार बा, वो जनाधार में रउआ अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित सर्व समाज के लोग, यहाँ तक लेकिन अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्सा माननीय नीतीश कुमार जी से प्रभावित हुआ। रउआ देखे ये चुनाव में सारा समीकरण बिगड़ जाए, अल्पसंख्यक समाज के भी हमारे साथ वोट आई, आगड़ा जाति के भी करीब करीब 99.99 हमारे साथ वोट आई, आ अति पिछड़ा तो पहले ही से फूटा ठोक के खड़ा बा,
अति पिछड़ा समाज अकेले 36% बा जो अभी हाल में जो सर्वेक्षण भैया उनमें 36% अकेले बा। ठीक बा, जौन दलित महादलित बा रउआ जाई कोनो भी दलित मोहल्ला में रउआ जाके देखी कि आज भी लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के ही लोग कहता, उनमें तीसर केहू नहीं है। तो बाकी बचल कौन चीज रउे देख ली कि अब लड़ाई में के बा रउआ खुद अंदाजा लगा ली। आई बात नहीं सीवान के जनता से पूछी। देखी हम एक बात कहे कि सीवान के जनता और बिहार के जनता राजनीतिक रूप से बड़ा सचेत है। पूरा देश के लोग कहला कि बिहार के जनता राजनीतिक रूप से बड़ी जागरूक है। यहाँ इतना जागरूकता बा कि जो 90 के दशक वाला जो बिहार रहे आ जो उबरा परिस्थिति रहे जो आतंक के राज रहे जो खौफनाक मंजर रहे और सबसे बढ़िया मॉडल वो आतंक राज के खौफनाक मंजर के सीवाने रहे। ठीक बा, तो लोग अब पीछे ना गए, लोग चाहता कि सीवान जहाँ पहुँचल बा उतरा से और आगे बढ़े। दो सेकंड रुके मिया कि कुछ राउत प्रतिद्वंदी लोग कहता कि अगड़ा समाज के बहुत सारा लोग के यहाँ के मतलब हत्या के राजनीति कैले बनी वो लोग ना दी तो वो लोग के कारवा कहे जाते। देखिए ये बात हमारे जो कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी बा उकरा जरिए ये सब बात के प्रचार होता। आज ये लोग प्रचार कराओ था जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे वो का कैल सीवान में उस सब लोग जानता है बात के। रमेश कुशवाहा के उसे आज तक ले रंगदारी निकल रहा है, चाहे मैरवा के व्यवसायी हो के चाहे सीवान के व्यवसायी हो के उनके बेटा के किडनैप रमेश कुशवाहा निकल कैले बदला में पैसा निकल रहा है। ठीक बा, रमेश कुशवाहा वो बेरा लड़क रोलन सीवान के सड़क पर जब केहू बेरा बोले के साहस ना जुटा तब विपक्ष के आवाज रमेश कुशवाहा रह। ये बात साँच बा ये हमारे पृष्ठभूमि माले वाला हो इसे इनकार नहीं कह जा सकत आ माले के हम जन्मदाता भी रहनी इहो साँच बा। लेकिन रमेश कुशवाहा 2090 वाला रमेश कुशवाहा नहीं खो, ये 21वीं सदी के एक नया भारत के एक नया सीवान के रमेश कुशवाहा वाला आज सब समाज के लोग जे बैठल बा एमें रउआ देख ले के घुमियार समाज के लोग हमारे बगल में बैठल बा के बाबा बैठल बानी यहाँ के मुकुल राय जी बैठल बानी ये सारा लोग सब समाज के लोग तो ये सब प्रचार चले दी जनता जानता सच्चाई का बा आ सच्चाई के पक्ष में जनता राउत पुरनका पार्टी जन भाकपा माले बा जन रुआ कहनी है कि दलित महादलित अनुसूचित जाति जनजाति के वोट के बात रुआ जन कहनी है कि खूंटा गड़े बा जौन राउत पुराना पार्टी भाकपा माले बा उ लोग कह रहा बा वो महागठबंधन के साथे बा उ लोग कह रहा कि ये वो वोट ना जाई बहनी ना हो ओपर का कहे जाते। असल में देखिए दिक्कत ही बा कि हम पुरनका पार्टी पर कोई प्रतिक्रिया देवे के नहीं चाहते आज तक लोग पुरनको पार्टी के खिलाफ हम ना बोले। ठीक बा, ये हम जानते नहीं कि जनता हमारा साथे रही पुरनका पार्टी के अन्य नेता ओने रही। ठीक बा, हमारा जनता से मतलब तो जाई ना और पुरनका पार्टी के जनाधार नौतन बा थोड़ा सा मैरवा में बा थोड़ा सा जीरा देवी बा दरौली बा गुठनी बा तो जनता के जाके पूछी ना। जनता कहती है कि हमने के रमेश कुशवाहा के पत्नी विजय लक्ष्मी जी के साथ में रह जा आ कुछ होकर जो नेता लोग बा जो भविष्य में सोचता कि फिर हमारा विधायकी लड़े के बा तो कोरम पूरा करी हो जाए इंडिया के साथ वो लोग रही। लेकिन जनता वो लोग के बात मेरी ना सुनी। मतलब रउरा का नाम बा कि हर बिरादरी के वोट रुआ मिल रहा बा महागठबंधन टूट जाई आ वो वोट रुआ मिली। महागठबंधन टूट ना जाए ये सीवान में तो पहले ही टूट गई कोनो नया टूटे के नहीं बिखर गई ना लोग कहला कि भाई दल के टुकड़े हजार हुए कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा ये स्थिति हो गई। तो बिखरल विपक्ष के बारे में हम क्या बात करें आई रुआ जान ली जहिया वो लोग एक भी हो जाए लोग कोई दिनों हमनिये के जीतब जाए एनडीए ही जीती ये बात के रउआ सब निश्चिंत रही। एगो बड़ा बात यहाँ के कहनी है कि अभी यहाँ के मॉडर्न रमेश कुशवाहा जी हो गए बनी
आ विपक्ष के लोग जन कह रहा बा यहाँ के पुराना पार्टी जन भाकपा माले रहे उ कह रहा बा कि हमारे एगो वोट एने उन्ने ना होला हमनी के लाल झंडा के बैनर तले इकट्ठा रहनी जा। तो यहाँ के कह रहा बनी कि भले नेता ओ बगल रही लेकिन जौन भी जनता बा उ यहाँ के साथे बा जौन अकेले के यहाँ के एकदम अपन खूंटा गाड़ के कहता नहीं कि वो वोट लें का कहे चाहता नहीं जनता से। आगे अगर वह लोकसभा जीता था नहीं सदस्य राव पत्नी बना था नहीं लोकसभा के तो का करे चाहे का सपना बना। देखिए हमारा तो पहल का सपना था कि हम कार्यकर्ता रहल बनी तो कार्यकर्ता के भावना के समझेगा तो जे भी एनडीए के कार्यकर्ता बा चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता होके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता होके रामविलास जी के पार्टी चिराग पासवान जी के कार्यकर्ता होके जदयू के कार्यकर्ता होके वो सारा कार्यकर्ता के लेके चले सब कार्यकर्ता के सम्मान दे इस शिकायत ना रही केहू के अरे भाई कुशवाहा जी के पत्नी जीतली तो 5 बरस में तेरे वोटे मांगे खातिर रही ई ना सब लोग से मिले हर गांव में हर जगह जाए पहलका काम ही। और दूसरका बात बा कि सिवान के दक्षिणी आ पश्चिमी इलाका में जो नाथ खूंटा के झगड़ा चले ये नाथ खूंटा के झगड़ा हमेशा खत्म खत्म ये दू गो काम निश्चित रूप से हुआ हो सिवान। चलिए एगो अहम बात देगो हम चर्चा करें चलते चलते समय नहीं है लेकिन हम एगो राहुल प्रेस विज्ञप्ति जौन पिछला बार हुआ विधायक रहनी जदयू से आ राहुल विपक्षी लोग लगातार वायरल कर रहा बा जौन में ये लिखल बा कि हम भाकपा माले के लोग हैं हम लोग वामपंथ से जुड़े हुए हैं आ जदयू चूँकि भाजपा के साथ चली गई तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा वो लगातार वायरल हो रहा बा ऊपर क्या कहे जाते हैं। देखिए राजनीति में ये सब बात जो कहता नहीं वो 3 बरस पहले के बात ठीक बा राहुल विपक्षी लोग लगातार वायरल कर रहा दी अभी 2 महीना पहले ही नीतीश जी दूसरा जगह रनिया नरेंद्र मोदी जी दूसरा जगह रनिया जब बड़का नेता एक हो गई तो हमारा रुआ एक होके मैं का दिक्कत मतलब बड़ा नेता के तर्ज पर चल रहा बनी। देखी जे भी श्रोता सुनोया के हम बता दी कि नेताजी कहता नहीं कि अब हम बड़का नेता के तर्ज पर चल रहा बनी कार बुझाता कि अभी जन अभी जस्ट जन पार्टी में रहनी है कुशवाहा जी के उपेंद्र कुशवाहा जी के वहाँ के एम का प्रचार करेंगे एकदम है साथे बानी एकदम साथे बानी राष्ट्रीय लोक मूल्य उपेंद्र जी साथे बानी चिराग पासवान जी साथे बानी हम पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी साथे बानी नीतीश जी के पटिए से लड़ तानी आ मोदी जी का पूरा पूरी आशीर्वाद हमें मिल रहा बाकी कौन रह गए मतलब कुल मिला के कहल जा सकेला कि रउरा लोग नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी के भी चेहरा तो एक नंबर फेस्ट प्रधानमंत्री चूंकि वहाँ के बने तो पूरा देश के चेहरा बने बिहार में नीतीश जी के अला से पूरा एनडीए मजबूत हो गए जौन थोड़ा ईफ बट रहा है ये सब खत्म हो गए पिछला बार 39 जीतल रहनी जा ए 40 में 40 जीतल नेशनल इशू चलिए देखौले रहनी कि जौन तमाम क्षेत्र के जनता रहे उ का कहत रहे कि जब अभी चुनाव के बिगुल ना बाज रहा पहले एगो सर्वे चलल रहनी तमाम गांव गिराव के लोग बतावत रहे कि जदयू के जौन कविता सिंह जी बड़ी उ काम नहीं कैले आ टिकट बदले के चाहिए लोग बहुत सारा लोग विरोध कैले रहे ओम प्रकाश यादव जी के भी टिकट के गांव में क्षेत्र में विरोध रहे तो एगो नया प्रत्याशी भोजपुरी पर कही के एगो कहल जाला इम्पैक्ट प्रभाव कि शायद नीतीश जी तक पहुँचल एनडीए के लोग तक पहुँचल आ नया प्रत्याशी एबरी रमेश कुशवाहा जी के पत्नी के विजय लक्ष्मी जी के टिकट दिया बा हम चाहें कि एक बार परिचय दी जे प्रत्याशी बा एनडीए के प्रत्याशी मेरी धर्म पत्नी श्री विजय लक्ष्मी देवी जी वाली उनकर घर बरासो है मैरवा में बरासो मैरवा में बरासो गांव बा आ शुरू से जब से राजनीतिक जीवन के हमारी यात्रा के शुरुआत हुए तब से हर उतराव चढ़ाव में हर संकट में हमार पत्नी एक राजनीतिक सक्रिय कर्मी के बतौर हमारा साथे बराबर खड़ा रहा चाहे हम जेल गई होती जेल से बाहर आई होती हर दुख सुख में आ कोनो न कोनो रूप में हमार पत्नी जनता से जुड़ल रहेगी आम जनता से जुड़ल रहेगी
जरूर कोनो बहुत बड़हन वक्ता ना हो, लेकिन राजनीति के समझे ली कि राजनीति का हो, बिहार केने जाता, देश केने जाता, सीवान केने जाता, मतलब गृहिणी रहते हुए भी राजनीति के अच्छा समझ बा। बिल्कुल गृहिणी ना हो, सिर्फ गृहिणी ना, एक हम कहे कहनी कि पोलिटिकल एक्टिविटी शुरू से रहल बड़ी, पूरा परिवार में एक राजनीतिक वातावरण रहल बा। हमार परदादा माने हमारे पिताजी के बाबा दादाजी वो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में 1942 में सीवान जेल में गई रही, आ उनकर हमारा दादाजी के वजन रहे 1 क्विंटल 31 kg, उन्हों के गांधी जी लोग कह है। हमारे परिवार शुरू से एक राजनीतिक परिवार रहल बा, हमारे पिताजी भी राजनीतिक आदमी रहल बनी हनु, ओकरा रघुनाथ एगो डॉक्टर रही, रघुनाथ राय जी सिमरिया के, उन्हों के हमारा घरे आई, हमारे पितोजी वहाँ के घरे जाए, तो हमारा परिवार में शुरू से एक राजनीतिक वातावरण रहल बा। ऐसे राजनीति के असर परिवार के हर सदस्य पर बा, आप हमारा पूरा परिवार जो बा समाज से जुड़ल रहेगा कोनो ना कोनो रूप में, चाहे सामाजिक गतिविधि हो के, राजनीतिक गतिविधि हो के, हर गतिविधि में समाज परिवार जो बा कोनो ना कोनो रूप में जुड़ल रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने के फिर बात कर जाए, ये भोजपुरी बदकई के एपिसोड 1 रहा है, और दूसरा एपिसोड भी लेके आए हम, तब तक बन रही भोजपुरी बदकई पर, अपना भाषा के चैनल के शेयर करी, सब्सक्राइब करी, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी में तो तमाम लोग चैनल चला रहा बा, लेकिन भोजपुरी बदकई के जो प्यार आशीर्वाद दे रहा बनी ओकरा खातिर लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।